आप सलाम कर रहे हो? ये आया भी अभी है ना, इसने देखे नहाया भी नहीं है ना कपड़े के। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और आबाद रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी टाइम तकरीबन 5:30 का हो चुका है। अबू जो हैं वो देखें जानवर को पानी पिला रहे हैं। पहले हमने उनको घास डाला है, तो ये देखें इन दोनों छोटों को भी जो फल है ना इनके लिए भी घास हम काट के ले आए हैं, कीटों का नहीं खाते ना। और पीछे आप लोग देख सकते हैं इस तरफ से जो है ना हम उन्होंने ये दीवार गिराई है थोड़ी सी, क्योंकि ईंटों का मसला बनता था तो फिर इधर से ईंटें लेकर उन्होंने उस जगह पे रखी हैं, तो वो हमारे किचन के लिए है। तो किचन की जगह भी हमने सिलेक्ट कर ली है, अभी चल के मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे फिर दोबारा से ये देख सकते हैं आप लोग बड़ी मुश्किल से तो एक हम बंद कर रहे हैं, तो दोबारा से तो ये आर्जी तौर पर अभी निकाला है। जब ये दीवार बन जाएगी ना तो फिर ये फुल बंद हो जाएगी। तो इसमें पिलर जैसे आप लोग बोल रहे थे वो भी इंशाल्लाह लाजमी बनवाएंगे, बहुत ही प्यारी जो है ना दीवार बनवाएंगे। तो इसकी जो उसारी होगी ना वो भी सीमेंट से होगी, तो ये मज़बूत बनवाएंगे तो जैसे आप लोग कह रहे हैं। और अभी मैं चल के आप लोग को बताती हूँ कि हमने कौन सी जगह सिलेक्ट की है किचन के लिए। तो फाइनली हमने ये जगह सिलेक्ट की है किचन के लिए। और यहाँ पर भी जो हमने चूल्हा बनाया था ना वो टूट गया है, आप कहीं और देरा लगाएंगे। तो और जगह पे भी हमने चूल्हा जो है बना लिया, मैं अभी आप लोग को चल के दिखाती हूँ। तो वो ईंटें जो है ना यहाँ पे उन्होंने इकट्ठी की हैं, कल यहाँ पे आरा बांधेंगे। तो दरअसल इधर जो है ना हमने कहा है कि सिस्टर मैं और अम्मी जो हैं वो हम जो है ना हम इस साइड पे थे कि इधर जो है ना बनाएं, लेकिन अब वो कह रहे थे कि इधर। तो फिर आखिरकार हमने अस्सलाम वालेकुम, नहीं मेरे ख्याल में तो पहले तो आप ही कह रही थी कि इस तरह से, तो मेरा क्या है कि रोटी तो आपने बनानी होती है, आपको जहाँ अच्छा मालूम होता था तो आपने बनाया है, तो चूल्हा फिर तीसरी बार आप बना रहे हैं आज, तो पहले ही सोच लेते अगर कि यहाँ पे बनवानी है तो फिर चूल्हा एक ही दम वहाँ पे बना लेते, तो पहले पता नहीं। तो ये है कि इख्तलाफात कहाँ नहीं होते, हमारे भी कुछ हुए इस मामले में कि कहाँ पर बनाएँ। तो फिर ये हुआ कि तकरीबन इसी जगह को सब ने पसंद किया, पहले तो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि कहीं दरमियान में बना लें, कोई हमने से एक आदमी तो कह रहा था कि बस दीवार के साथ बनवाएं। तो फिर इस तरह से होते होते तो ये जगह मुंतखब की इन लोगों ने। तो इधर चूल्हा भी देखिए टूट गया है और ईंटें काफ़ी जमा हो गई हैं। तो रूम जो है हमारा पीछे आप लोग देख सकते हैं वो अभी लेंटर तक पहुँच गया है कमरा है। हाँ कल तक वो कह रहे हैं कि वहाँ तक छत तक पहुँचा देंगे कल तक, उसके बाद फिर ये स्टार्ट कर देंगे। परसों इसको कल वो जुम्मा है तो फिर क्योंकि हमने उनको ठेका दिया हुआ है तो वो छुट्टी नहीं कर रहे और जुम्मे के दिन भी वो आएंगे, कल भी वो काम करेंगे। तो कल तो वो कमरा सिर्फ मेरे ख्याल में वो तकरीबन छत तक ले जाएंगे और परसों आके आपका किचन शुरू होगा इंशाल्लाह। और किचन जब छत तक पहुंच जाएगा तो फिर दोनों की छत जो है ना साथ ही डालेंगे। हाँ। और उसके बाद फिर दीवार के दीवार काम को आखिरी काम होगा दीवार का, फिर हमारा काम जो नहीं वो मिस्त्री आज कह रहा था कि आपने ऐसे करूँ कि आप दीवार भी साथ में और सारा ये बना लें और फिर जब प्लस्तर का टाइम आएगा तो सब बाद में सिर्फ प्लस्तर का काम बाकी हो। तो फिर जैसे उनको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे क्योंकि थोड़ा सा वो ऊपर जगह भी बनानी होती है चढ़ने के लिए, तो वो देखें गार्डर तो सामने आपके लगा हुआ है वो, क्योंकि अगर हम छत डाल दें तो गार्डर तो हमारे पास नहीं होगा, फिर वहाँ से कुछ और लेके आना पड़ेगा और उसके ऊंचाई के लिए, क्योंकि वो ऊपर जाते हैं तो उसको कुछ ना कुछ बना के ऊपर चढ़ते हैं उसके, तो इसीलिए गार्डर उन्होंने आज काम लगा लिया है। तो अभी मैं आप लोग को अपना नया चूल्हा दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने चूल्हा बनाया है जैसे उधर बनाया था ईंटें रख के, और इस साइड से जो है ना लकड़ी रखेंगे और आग जलाएंगे। तो जब तक हमारा ये किचन का काम कंप्लीट नहीं होता तब तक जो है ना अब यहीं पर ही हम खाना वगैरह बनाया करेंगे, सुबह नाश्ता भी। तो आज हम बना रहे हैं दूध वाली सिवैयाँ। तो उस दिन जो है ना फिर हमारा कैंसिल हो गया था, अब्बू लेट आए थे और मिली भी नहीं थी, तो उस दिन जो है ना हमने अंडे बनाए थे। तो आज हम बनाएंगे, अभी भैंस का दूध निकालेंगे उसके बाद। तो अभी अम्मी देखिए आग जला रही हैं।
दूध भी निकाल लिया हमने। इंशाल्लाह अब ये नया है ना, थोड़ा गीला भी है तो मुश्किल होगी। लकड़ी सी नया है, लकड़ियाँ भी गीली हैं और चूल्हा भी नया है तो टाइम तो लगेगा। तो आग भी जल गई है, तो माशाल्लाह से हमारी सिवैयाँ दूध वाली जो है वो तैयार हो गई हैं, तो फैमिली भी आ गई है और अभी जो है ना हम टेस्ट कर लेते हैं कि सिवैयाँ कैसे बनी है। और शाम भी हो गई है, तकरीबन अंधेरा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। तुम आप सलाम कर रहे हो? ये आया भी अभी है ना, इसने देखे नहाया भी नहीं है ना, कपड़े चेंज किए हैं, कपड़े धोखड़े हैं, कपड़े सारे इसके धुले हुए हैं लेकिन इसने चेंज नहीं किया, ऐसे ही आके बैठ गए। ये बहुत ज़्यादा गर्म है और सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। अभी जब थोड़ा वेट करते हैं, जब जैसे ही ठंडी होगी तो फिर बताना तो पड़ेगा ना फिर के अभी तैयार हो गए हैं या अभी कच्ची हैं। हाँ। तो कोई ना कोई तो चख के बताए ना फिर। फरहान चेक कीजिए। नहीं नहीं उसको नहीं, अभी गरम बहुत गरम है। फरहान पत्तियां ना खाएं। हाँ बन गया, सही पानी उतार दो। चलो तो इसे नीचे उतार देते हैं अभी। तो आज है ना हमने सालन नहीं बनाया, रोटी भी नहीं बनाई, तो आप लोग को जैसे पता है हमारी रूटीन चेंज हो गई है। अब तकरीबन एक बजे तो हम दोपहर का खाना खाते हैं, वो भी सालन बनाते हैं उसके लिए, तो फिर जो है ना भूख नहीं होती, तो इस वजह से फिर कभी अंडे जो है ना बना के खा लेते हैं शाम को, तो कभी सिवैयाँ, इस तरह जो है ना अब हमारी रूटीन बन गई है। नहीं, जब से ये काम शुरू हुआ है तो तकरीबन उनको खाना तो देना होता है एक बजे दिन को, तो जब वो खाना हम तैयार करते हैं उनके लिए तो खुद भी हम खा लेते हैं उसी वक्त, तो फिर शाम को तकरीबन हांडी ये नहीं बनाते, कुछ मीठा बनाने का दिल कर रहा होता है इनका। तो तकरीबन अब तो ये 8-10 दिन या 15 दिन तो मामला रहेगा ना हमारे साथ। तो आज दिन को भी हमने चिकन बनाया था उनके लिए पहली बार, तो मिस्त्री साहब के तो गोभी वगैरह बनाई है और सब्जियां से बनाते रहते हैं डेली, सब्जी तो चेंज करनी पड़ती है। अभी दूध भी हम यहीं पे बॉईल कर लेंगे, आज दूध भी थोड़ा सा बचा होगा तो फरहान पी लेगा हमारी खैर है, क्योंकि आज सिवैयाँ जो बना ली है इसलिए। नहीं, सिवैयों में दूध है तो आपको फिर वहाँ से दूध पीने की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी दूध है, ऐसे समझ लो कि जो तुम खाओगी इसमें दूध है तो वो आपका हिसाब के पास है। यक्का खीर है। तो अभी सिवैयाँ जो हैं वो हमने खा ली हैं, बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी हुई थी। तो पीछे आज इधर से ट्यूबवेल भी चला हुआ है और शाम भी हो गई है, काफ़ी अंधेरा हो जाता है। अब तो वीडियो बनाते क्योंकि मिस्त्री मजदूर वगैरह खड़े होते हैं तो उस टाइम हम नहीं बना सकते, और आग जलाने में भी हमें हमारा सालन बनते बनते या कोई चीज़ बनाएं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इस वजह से वीडियो से भी हम डेली जो है ना लेट हो जाते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, जो नए देखते हैं वीडियो हमारी शेयर भी क्या करें। तो वीडियो के आखिर में मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाई के लिए यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला सब लोगों को सेहत तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी दे और सब लोगों पर अपना खास करम फरमाए। तो आज इधर से भी काफ़ी सारी ईंटें ख़त्म हो गई हैं, बाकी रह गई हैं दीवार की, तो आहिस्ता आहिस्ता काम जो है ना होता जा रहा है, बस बाकी थोड़ा सा रह गया है। अब अभी तो काफ़ी पड़ा हुआ है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा आप सब लोग की दुआओं की वजह से। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए वीडियो के साथ दोबारा। अल्लाह हाफिज़।